हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि सिल्वर मिनी के वीकली रेंज में क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्या उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं या फिर हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं या हम एक सिंपल वेट एंड वॉच कर सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैंने आपके लिए कल को सिल्वर माइक्रो की जो वीडियो पोस्ट की आप वहाँ देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे समझ में आया कि मार्केट का क्या रेंज है। साथ में मैंने गोल्ड की वीडियो भी आपके लिए डाली है जो आपके काफ़ी डिमांडिंग थी उसके बेस पे, तो आप उससे भी अपना एक वी बिल्डिंग कर सकते हैं। गोल्ड का जो मिनी का होता है इसमें हम किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ पे रेंज बन रही, कहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो अभी हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ के साथ में चार्ट भी पोस्ट करता रहता हूँ, क्या सेंटीमेंट्स हैं। अब फ्रेंड्स, चार्ट पे अब हम आ चुके हैं। तो चार्ट का जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सिल्वर मिनी के चार्ट का जो MCX है और साथ में सिल्वर मिनी का जो कॉमेक्स का चार्ट है, दोनों चार्ट को लगाइए और ख़ुद देखिए। एक में आपको सप्लाई जोन पे एंट्री कर रहा है, दूसरे में सप्लाई जोन पे एग्जिट करने का प्रयास कर रहा है, मतलब सप्लाई जोन को क्रॉस करने का प्रयास कर। लेकिन सप्लाई जोन इतना स्ट्रांग है कि इतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है, जो कि 72,000 का लेवल है। तो इस वजह से ये रेंज इसके लिए एज ए सपोर्ट ना होके एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि ये ऊपर जाने से रोक रही है। मैं इस वजह से इतना डिटेल में बताता हूँ कि जिससे आपको बहुत बेसिक है, न्यू लोग हैं जो कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर नए लोग हैं, उनको भी डिटेल में समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, जिससे आपकी लर्निंग अच्छी हो सके। अब नीचे अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो यहाँ पे 64,000 का ही लेवल बनता हुआ दिख रहा है, तो 64,000 एज ए सपोर्ट हो जाएगा और ऊपर देखें 72,000 ये एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम की देख रहे हैं। इस वजह से मंथली व्यू में थोड़ा हमारे जो प्राइस एक्शन होता है, व्यू होता है, ज़्यादा रहता है। ओवरऑल अभी इस मंथ में मार्केट ने 8 से 9% का मूव कर दिया है, 5,500-5,600 पॉइंट का मूवमेंट नीचे से लेकर ऊपर तक रहा है। ओवरऑल हमने इस बॉटम में ही कैप्चर करने की कोशिश किया था, मार्केट धीरे धीरे रैली करेगा। 66 के जब मार्केट ऊपर निकला था तभी हमने देखा था कि मार्केट बहुत अच्छे मूड में आ चुका है। अब इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं क्या सेंटिमेंट्स है, तो ऊपर अगर मार्केट जाता है 74,000 यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करने वाला है, तो हमारे लिए नीचे का सपोर्ट डिफाइन हो गया, ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद में हम एक स्टेप और डाउन चलेंगे, जहाँ से हमें एक थोड़ा क्लियर कट मूव मिलेगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम हमारा मंथली रेंज दिखाई दे रहा है। अब रेंज की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से जो हमारा रेंज बनता हुआ दिख रहा है, अगर उसको आप देखते हैं तो इसी रेंज में मार्केट कितना टाइम बिताया है, 2020 से जब इसमें एंट्री हुआ है उसके बाद में ही अप एंड डाउन साइनसॉइडल वेव की तरह अप एंड डाउन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम अपनी इसी रैली को एंजॉय करेंगे। एज ए ट्रेडर हमें कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में अप्स हो या डाउन्स हो, बस हमें रेंज को पकड़ना आना चाहिए और हमारे मूव को कैप्चर करने की कैपेबिलिटी खुद में डेवलप करनी होगी, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस में होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी हो जाती है तो आप अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सेटअप पे कम से कम एक महीने तक काम करें, 20 डेज का जो आपका आउटकम आएगा उसको आप फिर अपने आप को इवेल्युएट करें कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी है, किस टाइप के आप ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं या फिर सिंपल स्विंग ट्रेडर हैं या डे ट्रेडर हैं, ये आपकी उसी बेस पे डिपेंड करता है जो एक जनरल आप बनाएंगे, कहाँ पे बाई कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, क्या कंडीशन थी, इस बेस पे अगर आप बनाते हैं तो आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। अब फ्रेंड, करंट मार्केट प्राइस के अगर नीचे हम देखते हैं तो 68,000 यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस सपोर्ट के जब तक मार्केट ऊपर बना हुआ है हमें कोई दिक्कत नहीं है, 68 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग ही रहने वाला है। और मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि इसने 70 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है, लेकिन क्लोजिंग देने के साथ में ये जो ऊपर का सप्लाई जोन है ये भी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इसके ऊपर गया तो कई बार है लेकिन क्रॉस करके क्लोज नहीं कर पाया है, एक भी कैंडल इसने क्लोज नहीं किया है। आप हाइएस्ट इसका रेंज देखते हैं 74,000 पे इसने जो क्लोजिंग किया था वो अगस्त 20 में किया था वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद में एक भी कैंडल इसके आसपास गई नहीं है। अब लगभग 2 साल के राउंड में 2022-2023 निकालने के बाद 23 में दोबारा से एंट्री करने की
कोशिश कर रहा है, अब एंट्री करता है तो ये इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेना चाहिए कि 2 वीक में मार्केट बहुत अच्छा स्ट्रेच हुआ है और इसने जो रेंज बनाया था, अगर आप देखते हैं कि दिसंबर से लेके दिसंबर 22 से लेके मार्च 23 तक, ये लगभग 3-4 महीने तक की जो कैंडल थी उसको 2 वीक ने कैप्चर कर दिया, तो इतने ज़बरदस्त बायर्स आ गए हैं, इसका मतलब अपसाइड जाने के रेंज है इसमें। तो 73-74,000 का रेंज भी ये दिखा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा पॉज लेता है तो हमारे लिए और बेटर कंडीशन बनती हुई दिखेगी कि मार्केट में कैसे रेंज बनने वाले हैं। अब इसके बाद में फर्दर अगर आप थोड़ा और नीचे देखते हैं, 68 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर इसके लिए 67,800 का लेवल, यहाँ पे 67,000, 68,800, 900 ये लेवल्स इसके लिए खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्केट को इतना वीक नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बहुत अच्छी रैली आई है और हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ही अपसाइड के लिए दिखा सकता है। ऑल टाइम हाई तो अभी ये जाने की कोशिश करने वाला है, लेकिन अभी इस वीक में ऑल टाइम हाई टच नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके 2023 में आपको ऑल टाइम हाई भी दिखाने की कोशिश करने वाला है। अब इसके बाद में फर्दर अगर आप यहाँ की रेंज देख लेते हैं फ्रेंड, तो रेंज आप जो कैंडल है इस कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको धीरे धीरे से इस रेंज में घुसेगा जो कि है आपकी 71,000 से लेकर 72,000 की रेंज। जब इस रेंज में मार्केट जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा मूवमेंट देने की कोशिश करता है और उस मूव को हमें कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा खुद को रेडी रखना होगा, क्योंकि मार्केट के लिए जो भी रेंज बनती है, रेंज बनने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, अगर उस रीजंस को आप देखने तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं। 70,500 से लेके 72,200, 300 ये 1,000 पॉइंट का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसके टाइम पे अगर 1-2 दिन बिता लेता है इस रेंज में 72,000 और 71,000 के बीच में, तो फिर धीरे धीरे करके अपसाइड जाएगा, लेकिन इनके से सप्लाई जोन को फेस करता और नीचे आता तो फिर आपके लिए 68,000 का लेवल भी आपको ये दिखाने की कोशिश कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम में। तो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना होगा। अब इसके बाद में फर्दर अगर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मूव के लिए चलते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टेप और डाउन चलना होगा, क्योंकि हम एरियल व्यू से देखते हैं, रिफाइन करते हुए हैं, अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में पहुंचते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में बना रहा है और जो इसने रेंज बनाई थी रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। क्लोजिंग आप देख सकते हैं, ये जो रेंज है इस कैंडल्स की और इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के, लेकिन यहाँ इसने थोड़ा इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया है जैसा कि यहाँ बना था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ये कैंडल और इस कैंडल में थोड़ा सा जो उसका स्ट्रेंथ है स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से जाके 72,000 को फेस करके नीचे आ रही थी, लेकिन अभी ये वहाँ तक नहीं गया है। तो अब इस कैंडल का रेंज अभी जो क्लियर है, अगर ये मंडे का जो सेशन होता है अगर इसमें डाउन ट्रेंड बनता है तो 68,000 इसको रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसने एक रेंज बनाया था। इनके 78,000 रोकने का 68,000 रोकने में कामयाब नहीं होता, 67,000 वहाँ नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद में अगर मार्केट वहाँ भी फेल होता है तो फिर 66,000 बहुत ही स्ट्रांग है, उसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये सारे रेंज हैं मार्केट के लिए, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, उसको आपको ध्यान में रख के ही ट्रेडिंग अपना प्लान करना होगा। अब फर्दर इसमें अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ मार्केट के लिए जो रेंज हमने दिया है वो वही रेंज बनती हुई दिख रही है, 1,000 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। अगर इनके से 74,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट ओपन हो जाएगा कि आप इसको कोई रेजिस्टेंस फेस करने के लिए नहीं है। तो करंट मार्केट प्राइस में जहाँ एक खड़ा हुआ वो जो लोग जो कि है लगभग 70,000 इसके लिए आए जे इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद में मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है 1,000 पॉइंट से 2,000 पॉइंट तक का, फिर इस रेंज में आएगा, रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए, बहुत दिनों बाद ही सस्टेन किया है तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं दोनों कैंडल का कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं, लगभग 2 फरवरी की कैंडल है और ये 24 मार्च की कैंडल है, दोनों कैंडल लगभग सिमिलर बनी है और उसके बाद में ब्रेकआउट यहाँ भी हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं किया था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ इसने थोड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखाया, लेकिन मंडे की ओपनिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। फर्दर 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं जो हमारा बेस होता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम का। अगर यहाँ आप देखते हैं तो मार्केट ने जो हम अभी तक देख रहे थे सप्लाई जोन के पास गया, वहाँ पे इसने थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया और उस रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए अगर आप ये कैंडल देखते हैं और ये कैंडल देखते हैं तो थोड़ा भी इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस नहीं किया। अब फर्दर इसका ओपनिंग इंपॉर्टेंट करती है, इनकेस अगर ये इस रेंज के जहाँ पे अभी खड़ा इसके
नीचे खुलता है और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है, तो आपको 1000 पॉइंट का नीचे की मूव भी दिखा सकता है। लेकिन इनके से ऊपर निकलता है तो इसको धीरे धीरे करके मार्केट के लिए यहाँ पे रेंज बनाता हुआ 72,000 को टच करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स ये ऊपर और नीचे दोनों साइड की रेंज है, रेंज को आप देखिए सीखिए और ट्रेड करिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडिंग स्किल के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिट के लिए आपको डेली ट्रेड करना होगा और एक सेटअप पे एक माइंडसेट के साथ में आप सारी चीज़ें एक बेस बनाइए, उसी बेस को बेस मानिए और उसी पे आप ट्रेडिंग करते रहिए। जो भी आपका इंपॉर्टेंट हो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, जिस टाइप के आप ट्रेडर हैं उस टाइप के आपके डिसीजन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी अभी 4 आवर सेटअप की एनालिसिस थी, बाकी आपको ट्रेडिंग किस तरह से प्लान करना है मैं आपको मॉर्निंग सेंटीमेंट्स जरूर दूंगा, जो कि मंडे की मॉर्निंग में आपको मिलेगा, कहाँ पे इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही, कहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही। थैंक यू फ्रेंड, लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।